नमस्कार, मैं ऋषि भाटिया और आज मैं आपको अंधविश्वास से जागरूक कराने के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम कब जागेगा इंडिया में वीडियो दिखाऊंगी। क्योंकि श्रद्धा भक्ति से बढ़कर अगर कुछ है तो वो अंधविश्वास है। जी हाँ, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ श्रद्धा भक्ति के नाम पर सबसे ज़्यादा अंधविश्वास होता है और लोगों को लूटा जाता है। वहीं अंधविश्वास की घटना का जीता जागता नमूना हम आपको इस वीडियो में लाए हैं। जी हाँ, आपको इसे देख के खुद जान जाएंगे कि किस प्रकार से ये खेल सदियों से चला आ रहा है। देखिए वीडियो। कमर मर्दान कमर मर्दान कमर मर्दान फेरी अज हल्का हल्का कमर मर्दान फेरी सर्पल जस्तो यसो घिस्री निस्किसक्यो निस्किसक्यो भइसक्यो अब निस्किसक्यो निस्क्यो निस्क्यो 3 मिनट भयो। जय शम्भु, ल हर 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 महादेव, ल निस्क्यो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भक्ति में इतने ज्यादा लीन हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि औरत उस पत्थर के बीच फंसी तो कैसे फंसी, लेकिन ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर फंसी है। आपने कई मंदिरों में सुना होगा कि आप इस गुफा को पार हो जाएंगे तो ये चीज करेंगे, आपकी सब समस्या खत्म हो जाएगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस वही अंधविश्वास की सुई अब यहाँ आकर भी अटक गई और हाल कुछ यूं हुआ कि समस्या खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई। अब आप ही बताइए कि अंधविश्वास नहीं तो क्या है? सामने वाले ने कुछ कहा नहीं कि आपने आओ देखा न ताओ आप उस चीज को करने के लिए राजी हो गए। तभी भारत देश में अगर किसी को लूटना हो तो या अपनी बातों में फंसाना हो तो उसे भक्ति और श्रद्धा के नाम की डोर पकड़ा दी जाती है। फिलहाल कब जागेगा इंडिया प्रोग्राम में इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। नमस्कार।